हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट इज पैरामीटर पासिंग, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्टोरेज क्लासेस एंड रिकर्जन। आज के इस वीडियो में ये सभी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर पासिंग क्या होता है? पैरामीटर पासिंग इज द मैकेनिज्म यूज टू पास वैल्यूज टू ए फंक्शन। जो हमारा पैरामीटर पासिंग होता है, ये जो है एक मैकेनिज्म है, यूज करा जाता है किस लिए? पास करने के लिए वैल्यू किसको? फंक्शन को। द वे पैरामीटर आर पास्ड कैन वेरी एंड इट जनरली फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। जो हमारा पैरामीटर पासिंग है, इसके दो कैटेगरीज में ये जनरली जो है कैटेगराइज होता है। नंबर वन है बाय वैल्यू और दूसरा है हमारा बाय रेफरेंस। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय वैल्यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन। द फंक्शन रिसीव ए कॉपी ऑफ द वैल्यू एंड एनी मॉडिफिकेशन मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन। जो हमारा कॉल बाय वैल्यू है, ये जो है एक्चुअली जो है, जो हमारा फंक्शन होता है, ये रिसीव जो करता है कि जो है कॉपी करता है रिसीव ऑफ वैल्यू की। जिससे कि कोई भी मॉडिफाई करते हैं हम पैरामीटर में, तो हमारा जो इनसाइड में है पैरामीटर, उसमें किसी भी तरीके का चेंज ना हो, ओरिजिनल जो है हमारी वैल्यू है वो सेम रहे। यही चीज हमने कॉल बाय वैल्यू के इसमें प्रोग्राम में शो करा है कि जो फंक्शन है ये रिसीव कर रहा है हमारी कॉपी ऑफ द वैल्यू। किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करा जाएगा तो जो हमारे पैरामीटर है फंक्शन के अंदर, किसी भी इनमें ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा। कॉल बाय रेफरेंस, इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन। कॉल बाय रेफरेंस में जो है मेमोरी एड्रेस होता है जो वेरिएबल का, ये पास करा जाता है टू द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तरीके का जो चेंज करा जाएगा पैरामीटर में इनसाइड द फंक्शन, ये अफेक्ट डालेगा ओरिजिनल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन में। यही हमने यहाँ प्रोग्राम में शो करने की कोशिश करी है। इन द कॉल बाय रेफरेंस एग्जांपल द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू पास द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नम टू द स्क्वायर फंक्शन। इनसाइड द फंक्शन द स्टार ऑपरेटर इज यूज्ड टू डी रेफरेंस द पॉइंटर एंड मॉडिफाई द वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट लैंग्वेज लाइक C++ हैव एडिशनल कॉन्सेप्ट लाइक रेफरेंस विच कैन प्रोवाइड सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कॉल बाय रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिटली डीलिंग विद पॉइंटर। अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग फंक्शंस एंड हैंडलिंग डेटा इन ए प्रोग्राम एज इट अफेक्ट हाउ डेटा इज मैनिपुलेटेड एंड वेदर चेंजेस मेड इनसाइड ए फंक्शन persist outside of it. Scope of variable. Scope of variable क्या होता है? The scope of variable in a programming language define the region of the program in which the variable can be accessed or modified. There are mainly two type of variable scope. Local scope और global scope. ये basically दो type के होते हैं, local और global. अब इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या होते हैं. Local scope. लोकल स्कोप जो है क्या होता है? जो हमारा लोकल स्कोप होता है, इसका हमने ये प्रोग्राम एग्जांपल जो है शो करा है। इसमें जो है void example function int local variable is equal to 5। जो हमारा लोकल वेरिएबल है ये लोकल var equal to 5 है। लोकल वेरिएबल जो है सिर्फ एक्सेसिबल होगा विद इन दिस फंक्शन। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन और ए ब्लॉक हैव लोकल स्कोप। दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और ब्लॉक इन Which they are declared। जो हमारे variables हैं ये declared होते हैं within a function और block जो कि local scope है, have local scope जिनके पास है, ये जो है सिर्फ accessible है within the function और block in which they are declared। जिसमें ये declared है सिर्फ वहाँ पर आप access कर सकते हैं और within the function, इन्हीं को local scope कहा जाता है। अब global scope क्या होता है? सबसे पहले इसका ये example है int global var equal to 10। ग्लोबल वेरिएबल हो गया ये हमारा। वर्ड एग्जाम्पल फंक्शन ये हमारी है ग्लोबल var जो है किसी भी जगह एक्सेसिबल है विद इन द इस फंक्शन। आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन दिस फंक्शन। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक हैव ग्लोबल स्कोप। दे आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। जो हमारा ग्लोबल स्कोप है ये जो है एक्सेसिबल है पूरे प्रोग्राम में है, आप जहाँ भी करना चाहें।
ये वेरिएबल जो है डिक्लेयर्ड होता है आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक जो कि आपके पास ग्लोबल स्कोप है। स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं? स्टोरेज क्लासेस इन सी डिटरमाइन द लाइफ टाइम विजिबिलिटी एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो हमारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं जो है डिटरमाइन करती हैं लाइफ टाइम विजिबिलिटी और इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल को। कि बेसिकली इसमें जो चार हैं मेन स्टोरेज क्लासेस हैं, नंबर वन है ऑटो, रजिस्टर, स्टेटिक और एक्सटर्नल। अब इनके बारे में हम समझते हैं कि होती ये क्या क्या है। नंबर वन ऑटो, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल। ये जो है डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है लोकल वेरिएबल के लिए, ऑटोमेटिकली एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड व्हेन द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड इज एंटर्ड एंड एग्जिटेड। ये ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाती है और डी एलोकेट हो जाती है जब ब्लॉक जो है डिफाइन होता है, एंटर्ड होता है या एग्जिट होता है, जब ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है। वर्ड एग्जाम्पल फंक्शन ऑटो इंट लोकल वेरिएबल इक्वल टू 5। ऑटो जो है ऑप्शनल है यहाँ पर। रजिस्टर, सजेस्टेड टू द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल इन ए रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस, सिमिलर ऑटो बट विद ए हिंट टू द कंपाइलर। रजिस्टर इंट काउंट इक्वल टू 0। स्टेटिक, परसिस्ट फॉर द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। स्टेटिक इंट ग्लोबल काउंट इक्वल टू 0, ग्लोबल स्टेटिक वेरिएबल। एक्सटर्न, यूज करा जाता है डिक्लेयर करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन अनदर फाइल, जो कि डिफाइंड होते हैं अनदर फाइल में। extern इंट ग्लोबल var डिक्लेयर नॉट डेफिनेशन। कोई भी अगर जो है अलग जो है ग्लोबल वेरिएबल जो है यूज करे जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कोई भी हमारा जो है जो कि डिफाइंड है अनदर फाइल में, जैसे कि हमारा कोई भी ग्लोबल वेरिएबल है वो डिक्लेयर्ड है हमारा अनदर फाइल में, डिफाइन करने के लिए ये जो है सीधी साधी बात है हमारा। इन सभी जो अलग अलग हमारी चार हैं मेन, बेसिकली चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है डिक्लेयर करने के लिए है, उससे पहले हमारा था रिटेन करने के लिए उसकी वैल्यू बिटवीन फंक्शन और कॉल। इसी तरीके से इन चारों के जो है चारों के अलग अलग यूज हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो है स्टोरेज क्लासेस में चार तो कम से कम आने ही चाहिए। रिकर्जन, रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन इज ए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। रिकर्जन जो है एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर फंक्शन जो है कॉल करता है अपने आप को आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस लिए? सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। रिकर्जिव फंक्शन ब्रेक डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन है ये जो है ब्रेक डाउन कर देता है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो है प्रॉब्लम उसको सिंपलर और छोटे छोटे प्रॉब्लम में। अब जो है जो हम अलग अलग प्रॉब्लम हैं उनको जो है सॉल्व कर लिया जाता है, फिर सब प्रॉब्लम्स को जो है कंबाइन करा जाता है और उनका सॉल्यूशन एक साथ कंबाइन करके चेक करा जाता है और उसका सॉल्यूशन जो है हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम का फाइंड आउट हो जाता है। रिकर्जिव एल्गोरिथम जो है कंसिस्ट करती है दो मेन कंपोनेंट, द बेस केस एस और रिकर्जिव केस एस। अब इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। रिकर्सिव एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, द बेस केस एंड द रिकर्सिव केस। बेस केस क्या है? द बेस केस इज द कंडीशन अंडर विच द रिकर्जन स्टॉप, इट डिफाइंस द सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम दैट डज नॉट रिक्वायर फर्दर रिकर्जन। विदाउट ए बेस केस द रिकर्जन वुड कंटिन्यू इनडेफिनेटली लीडिंग टू ए स्टैक ओवरफ्लो और इन्फिनाइट लूप। जो हमारा बेस केस है, बेस केस जो है एक कंडीशन है जहाँ पर जो है रिकर्जन जो है हमारा स्टॉप हो जाता है। ये डिफाइन करता है सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि आगे हमें फर्दर रिकर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, उस चीज को ये डिफाइन करता है। बिना बेस केस के जो है हमारा रिकर्जन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा इनडेफिनेटली और इन्फिनाइट लूप जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, हमारा इस चेक ओवरफ्लो होकर इन्फिनाइट लूप चल जाएगा हमारा, वो उसके स्मॉलर पार्ट में उसके भी स्मॉलर पार्ट में कंटिन्यू करता जाएगा। एक जगह पर जाके बेस केस जो है वहाँ उस प्रॉब्लम को छोटा होने से रोक देता है। रिकर्सिव केस, द रिकर्सिव केस डिफाइन हाउ द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विथ दीज स्मॉलर सब प्रॉब्लम। जो हमारे रिकर्सिव केस है ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम है ये डिवाइडेड हुई है इंटू स्मॉलर प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में और जो फंक्शन है कॉल इटसेल्फ
विद दीस स्मॉलर सब प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ये था की कंपोनेंट्स ऑफ रिकर्जन, बेस केस और रिकर्सिव केस। आई होप आप सभी को समझ में आया हुआ। सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, एक बार आप जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।